हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुजरात राज्य के सबसे बड़े फ्लाई ओवर ब्रिज के बारे में, जो कि हमारे वडोदरा में आज ही ओपन हुआ है। आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस तो है ही, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है और ये ब्रिज का नाम रखा गया है अटल ब्रिज उनके नाम पर से ही। और आज सुबह हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 11 बजे ओपनिंग करी थी और अभी 5 बज चुके हैं और ब्रिज वडोदरा वासियों के लिए ओपन हो चुका है। दोस्तों, अभी तक गुजरात में सूरत में जो ब्रिज था, फ्लाई ओवर ब्रिज, वो सबसे लंबा था, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर थी। और अब हमारे वडोदरा में जो ब्रिज बना है, इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, जो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर ब्रिज बन चुका है, जिसको बनाने में 230 करोड़ रुपया खर्चा आया है, जो कि बोला था कि 3 साल में काम हो जाएगा, लेकिन बनते बनते 5 साल हो गए। 5 साल बाद जाके ये ब्रिज कंप्लीट हुआ है, जो आज ओपन हो चुका है। 5 साल से वडोदरा वासियों को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नड़ रही थी, जिसका सॉल्यूशन आज हो चुका है। सच कहूँ तो रियल में 5 साल से अगर पूरे वडोदरा में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलती थी तो वो गेंडा सर्कल के पास में ही मिलती थी, जिसकी आज से राहत हो चुकी है। ये ब्रिज गेंडा सर्कल से शुरू होकर मनीषा चौकड़ी तक जाता है, जो कि आप 5 से 7 मिनट में वहाँ पर पहुँच सकते हो, जो पहले 15-20 मिनट लगते थे। ऐसे तो दोस्तों वडोदरा में कई सारे ब्रिज बने हुए हैं, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा ब्रिज था फतेहगंज का। अब आप वो क्रॉस करने के बाद ही ये ब्रिज चालू हो जाता है और अब सबसे बड़ा ब्रिज हो गया है अटल ब्रिज। ये था दिन का व्यू, अब हम देखते हैं यहाँ का रात का व्यू कि ये ब्रिज में लाइट कैसे लगाई गई, कैसा लगता है। Just wish he knew. दोस्तों, ये ब्रिज बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। आप लोग को शायद ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए आपको मैं कुछ कल परसों का ड्रोन कैमरे का व्यू दिखा रहा हूँ। आप लोग देखो, आपको इसकी ब्रिज की खूबसूरती दिखाई देगी, कितना अच्छा लग रहा है वडोदरा में।